नमस्ते सदावत से मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। रूस से भारत को मिलने वाले 12 SU-30 फाइटर जेट्स में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता होगी। एडमिरल हरि कुमार बने नौसेना प्रमुख, मिला गार्ड ऑफ ऑनर। चीन की हर हरकत पर होगी भारत की पैनी नजर, 4 इजरायली हेरॉन ड्रोन को लद्दाख में किया जाएगा तैनात। स्वदेशी बायोजेट फ्यूल से उड़ेंगे भारतीय वायुसेना के विमान। HAL 2022 से 2023 तक पहले 4 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का करेगा निर्माण। भारतीय नौसेना के नए नौसेना प्रमुख बन चुके हैं एडमिरल आर हरि कुमार। उन्होंने आज से ही भारतीय नौसेना का नए प्रमुख का पदभार भी ग्रहण कर लिया है। अब तक रहे नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने एडमिरल आर हरि कुमार को भारतीय नौसेना की कमान सौंप दी है, साथ ही उन्हें आज गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बता दें कि हरि कुमार जी पहले नौसेना के पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत थे। एडमिरल आर हरि कुमार के पद संभालने के बाद उन्होंने कहा कि समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। बता दें कि एडमिरल हरि कुमार जी ने 1983 में नौसेना को ज्वाइन किया था। अपने 38 साल के लंबे अनुभव में उन्होंने भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट के कमांडिंग ऑफिसर के पद सहित INS कोरा, निशंक और रणवीर युद्धपोतों की कमांड भी संभाल रखी है। दोस्तों, अब नए नौसेना प्रमुख के ऊपर अब कई सारी जिम्मेदारियां हैं, जिसमें बहुत सारे डिफेंस डील्स जो कि नेवी से संबंधित है वो अटकी हुई हैं, उन्हें उनको पूरा करना होगा। लद्दाख सेक्टर में चीन की हर गतिविधि पर अब भारत की नजर रहेगी, क्योंकि इसराइल ने भारतीय सेना को ऐसे ड्रोन दे दिए हैं जिसकी मदद से चीनी सेना की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर तो रहेगी, साथ ही अगर वो कुछ उल्टी सीधी गतिविधियां करता है तो उस पर प्रहार भी कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इन ड्रोन्स की मदद से चीन के सारे काले मंसूबों पर भारत को जानकारी मिलती रहेगी। भारतीय सेना ने अपनी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए इसराइल से 4 हेरॉन लिए हैं। इसराइल से भारत को मिलेगी 4 हेरॉन अल्ट्रा मॉडर्न यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं। दरअसल भारत ने आपातकालीन खरीद के तहत इसराइल से ये 4 एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स खरीदे हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहीं तक भारत सीमित नहीं है, भारत को जल्द ही अमेरिका से प्रीडिजिट ड्रोन भी मिलने वाले हैं, जिससे कि सेना के बिना भी स्थिति की निगरानी की जा सकेगी। इतना ही नहीं, इससे हमले की क्षमताओं को और बढ़ावा मिलेगा। भारत चीन को जवाब देने के लिए हर फ्रंट मिशन बोर्ड पर काम कर रहा है। बता दें कि हेरॉन ड्रोन एक बार हवा में उड़ा तो ये 52 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और ये जमीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए जमीन पर एक ग्राउंड स्टेशन भी बनाया गया है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। ये ड्रोन किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। हेरॉन ड्रोन में कई तरीके के एडवांस सेंसर्स और कैमरे लगे हैं, जो कि थर्मोग्राफिक कैमरा यानी कि इंफ्रारेड कैमरा, जो कि रात या फिर अंधेरे में देखने में मदद करते हैं। इसके अलावा विजिबल लाइट एयरबॉर्न ग्राउंड सर्विलांस, जो दिन की रोशनी में तस्वीरें लेता है, वो भी इसमें लगाया गया है। इसके अलावा इंटेलिजेंस सिस्टम समेत कई तरह के रडार सिस्टम इसमें लगे हैं। इस ड्रोन की सबसे बड़ी बात यह है कि ये आसमान से ही टारगेट को लॉक कर उसकी पोजीशन आर्टिलरी या फिर टैंक या फिर इंफ्रारेड सीकर मिसाइलों को दे सकता है। बता दें कि इस ड्रोन का वजन 250 किलोग्राम है। भारत में भेजे गए इजरायली हेरॉन ड्रोन का नाम ईगल और हैरफांग है, हालांकि भारतीय सेना इसे अपना अलग नाम दे सकती है। दोस्तों, चीन अब अपनी सेना में नई भर्तियां करने जा रहा है और ये फैसला चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का है। वो अब अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए शी जिनपिंग नई प्रतिभाओं की भर्ती पर जोर दे रहा है। दोस्तों, बता दें कि सेना के द्वारा अग्रिम पंक्ति के पदों के लिए 3,00,000 कर्मियों को भर्ती करने की प्रतिबद्धता जताए जाने की खबरों के बीच ये जानकारी सामने आई है। बता दें कि शी जिनपिंग ने इन नई प्रतिभाओं को भविष्य के युद्धों में बढ़त लेने की कुंजी कहा है। चीनी सेना $209 अरब के वार्षिक सैन्य बजट के साथ तेजी से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है, साथ ही वो आधुनिक हथियारों से भी लैस हो रही है। यानी कि चाइना अब अपनी सेना में युवाओं को भर्ती करने जा रहा है और उनकी संख्या करीबन 3,00,000 हो सकती है। जहां एक तरफ पहले ये खबर आती थी कि चाइना अपने सैनिकों को कम कर रहा है, लेकिन मामला कुछ पेचीदा नज़र आ रहा है और भविष्य को देखते हुए आप बहुत कुछ अटकलें यहाँ पर लगा सकते हैं कि अगर युद्ध की संभावना होती है और भारत और चाइना के बीच में, तो ऐसे में जिस क्षेत्र में ये लड़ाई होने वाली है वहाँ पर जो पैदल सेना है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। देखते हैं फिलहाल क्या होता है आगे, लेकिन अनुमान आपको क्या लगता है, क्यों भर्ती की जा रही है इन 3,00,000 लोगों की, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लेकर बताएं। भारत सरकार के मुताबिक HAL 2022-2023 तक लिमिटेड सीरीज के उत्पादन के तहत 4 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का निर्माण करेगा। इस बारे में जानकारी रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने दी है। उन्होंने कहा कि 2023 से 2024 तक 8 और LUH हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 4 हेलीकॉप्टरों के शुरुआती कोटे में से 2-2 भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के पास जाएंगे, जबकि दोनों बलों को सीमित श्रृंखला के उत्पादन के दूसरे बैच के 4-4 LUH मिलेंगे। इसके अलावा आगे उन्होंने बताया कि
HAL के द्वारा हेलीकॉप्टर के सीरीज प्रोडक्शन का निर्माण भी किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में रक्षा मंत्रालय ने HAL से लगभग 1500 करोड़ रुपए में 12 LUH की खरीद की मंजूरी दे दी थी और ये LUH सशस्त्र बलों के द्वारा संचालित किए जा रहे चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों के पुराने बेड़े को रिप्लेस करेंगे। स्वदेशी रूप से विकसित किया गया LUH 3 टन कैटेगरी में एक नई पीढ़ी का हेलीकॉप्टर है, जिसमें मल्टीफंक्शन डिस्प्ले के साथ ग्लास कॉकपिट जैसे अत्याधुनिक तकनीकें हैं और ये सिंगल टर्बोशाफ्ट इंजन से चलता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में बनाए गए बायोजेट ईंधन को वायुसेना के विमानों में प्रयोग किए जाने की औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। इससे पहले वायुसेना इसका ट्रायल कर चुकी है। अब वायुसेना के विमान बायोजेट फ्यूल से उड़ान भरेंगे। बता दी कि सेना उड़ान योग्यता तथा प्रमाणीकरण के समूह निदेशक आर कमल कन्नन ने अंतरिम प्रमाण पत्र सौंपा है। बता दें कि ये प्रमाणन विमान बायोफ्यूल क्षेत्र में भारत के बढ़ते विश्वास और आत्मनिर्भर भारत की ओर महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि इस टेक्नोलॉजी को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशाला भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने विकसित किया है। पिछले 3 सालों में इस पर कई प्रायोगिक परीक्षण तथा ट्रायल किए गए हैं। IIP के निदेशक ने बताया कि इस स्वीकृति के बाद भारतीय सेनाएं स्वदेशी प्रौद्योगिकी से निर्मित इस बायोजेट ईंधन का अपने सभी कार्यकारी विमानों में प्रयोग कर पाएंगी। साथ ही बायोजेट के व्यवसायिक उत्पादन में भी इसमें मदद मिलेगी। एयरबोर्न सामग्री का परीक्षण एक जटिल और अत्यधिक सतर्कतापूर्ण प्रक्रिया है। इसमें सघन जांच पड़ताल और परीक्षण के साथ उच्चतम स्तर की फ्लाइट सेफ्टी भी सुनिश्चित की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय विमानन मानक इस कठोर मूल्यांकन को परिभाषित करते हैं। बता दें कि बायोजेट ईंधन का निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले खाने के तेल, वनस्पति तेल, आपातकालीन तिलहन फसलें तथा खाद्य तेल प्रसंस्करण यूनिट के अवशिष्ट जो अर्क होता है उससे इसे बनाया जाता है और पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में जो गंधक की मात्रा होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण भी कम होता है और भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति में ये सहायता भी देगा। इसके अलावा ये जो खाद्य तेल संग्रह उत्पादन से जुड़े किसान हैं और आदिवासी हैं उनकी आजीविका को भी संवर्धित करेगा। रशिया के अधिकारी इंडियन एयरफोर्स के सामने अपने SU-75 सिंगल इंजन स्टील फाइटर जेट का प्रेजेंटेशन करेंगे आने वाले डिफेंस एक्सपो 2022 में। रशिया की रॉस्टेक कंपनी पहले ही बता चुकी है कि वो भारत को अपने भरोसेमंद कस्टमर मानती है इस एयरक्राफ्ट के लिए। इसके अलावा रशिया अब भारत के 114 MRFA जो फाइटर जेट प्रोग्राम है उसमें इस फाइटर जेट को शामिल नहीं करेगा, लेकिन रशिया ने ये बात तो कही है कि अगर भारत चुनता भी है इस फाइटर जेट को यानी कि SU-75 को तो उसका लोकल प्रोडक्शन जो लाइन होगी वो भारत में तैयार होगी। यही नहीं, इसके अलावा रशिया अपने AL-41F इंजन को भी मॉडिफाई कर रहा है जो कि 142 यानी कि 142.2 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करेगा और SU-75 अपनी पहली फ्लाइट 2023 में करेगा। साथ ही इसका अनमैन्ड वेरिएंट भी आएगा अगले कुछ सालों में। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में चाइना ने अपने J-16D जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला एयरक्राफ्ट है उसे अपनी वायुसेना में शामिल किया और ये काफ़ी खतरनाक विमान माना जा रहा है। और आपने बहुत सारे डिफेंस अपडेट्स और कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे जो अलग अलग चैनल्स ने डाले भी हैं J-16 के बारे में। तो वाकई में J-16 फाइटर जेट काफ़ी आधुनिक और घातक बताया जा रहा है, लेकिन भारत ने अब इसे काउंटर करने का पूरा मन बना लिया है और ऐसे में जो हम रशिया से 21 MiG-29 और 12 SU-30 फाइटर जेट्स ले रहे हैं और ये जो डील है वो 2022 में होगी, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें जो 12 SU-30 भारत को मिलेंगे रशिया से वो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता के साथ आएंगे और ये फाइटर जेट्स डेडिकेटेड होंगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रोल के लिए और ये वैसे ही काम करेंगे जिस तरीके से अमेरिका का EA-18G ग्राउलर करता है। इसके अलावा रशिया ने भारत को अपने लेटेस्ट किनमिनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की भी पेशकश की है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना के J-16D को मात देने के लिए भारत रशिया से जो 12 SU-30 ले रहा है वो इसी क्षमता का ले रहा है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्टी ने कहा कि FOC स्टैंडर्ड वाला तेजस फाइटर जेट को हायर थ्रस्ट वाले इंजन की जरूरत है और ऐसे में कावेरी इंजन जो कि वर्तमान में जो उसका आकार है वो उसे उतना पावर नहीं दे सकता, इसीलिए उसे उसमें नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वदेशी इंजन आने वाले समय में जो तेजस फाइटर्स बनेंगे और AMCA 5.5 जनरेशन के जो फाइटर जेट्स बनेंगे उन्हें पावर देगा और इस स्वदेशी इंजन को भारत किसी और देश के साथ मिलकर तैयार करेगा, क्योंकि जब भारत किसी और देश के साथ इंजन तकनीक को बनाएगा तो इससे भारत अपने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ा देगा। बता दें कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ बदलाव किए हैं ड्राई कावेरी इंजन में, जिसमें कि एक नया फैन जो कि निकल और टाइटेनियम अलॉय से बना है। इसके अलावा रशिया की एक टीम भारत आने वाली है अगले महीने जो कि GTRE के बैंगलोर का जो यूनिट है वहां पर विजिट करेगी और कावेरी इंजन के कुछ ग्राउंड टेस्ट उनके सामने किए जाएंगे। उसके बाद DRDO के भी अधिकारी रशिया जाएंगे
और वहाँ जो रूस की फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ का दौरा करेंगे, जहाँ पर IL-76 फ्लाइंग टेस्ट बेड से कावेरी इंजन का टेस्ट किया जाएगा, जिसमें कि टैक्सी और हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट टेस्ट होगा, जिसका मकसद है कि इस इंजन को फ्लाइट सर्टिफिकेशन मिलना, जो कि 2024 तक इसे मिल जाएगा, और इसके बाद इसके यानी कि इस इंजन के लिमिटेड स्केल प्रोडक्शन को तैयार किया जाएगा 2026 से। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के ऑरा ऑटोनोमस स्टेल्थी अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल को ये पावर भी देंगे। GTRE अब कावेरी इंजन को रीडिजाइन कर रही है, जिसमें कि इसके आफ्टर बर्नर सेक्शन में कुछ तकनीकी सुधार किए जाएंगे, जिससे कि ये 46 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन आफ्टर बर्नर रीडिजाइन सेक्शन के साथ आएगा, जो कि 76 किलो न्यूटन का वेट थ्रस्ट पैदा करेगा, जिसका इस्तेमाल अन्य भविष्य के प्रोग्राम में किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। अभी आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने इनके बारे में जानने के लिए कहा था, तो मैं बता रहा हूं कि ये ITN है, जो कि 7 साल इसरो में काम कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने अमेरिका और कई कंट्रीज में भी काम किया है, और इनको एरोस्पेस इंजीनियरिंग की ज़बरदस्त जानकारी है, क्योंकि ये एरोनॉटिकल इंजीनियर रह चुके हैं और अब वो हमारे साथ भी जुड़ गए हैं, और धीरे धीरे आप उनके वीडियोज़ भी देखेंगे, आपको काफ़ी ज्ञान मिलेगा, आपको डीप नॉलेज मिलेगी इन सब क्षेत्रों में जो कि एरोस्पेस से संबंधित है। दोस्तों, आज का इतिहास जान लेते हैं। 30 नवंबर 1971 को लिबरेशन वॉर 1971, नायब सूबेदार मामचंद शर्मा और हवलदार बूटी बल्लभ ने इंडियन आर्मी की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं में विशिष्ट वीरता और साहस का परिचय दिया था, और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।